मुख्यमंत्री ने क्या कोटा का दौरा, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कोटा में क्या कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन, चौपड़ से आरएसी मैदान स्थित हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर उतरी वहीं सांसद ओम बिरला, विधायक भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजन, संदीप शर्मा, चंद्रकांता मेघवाल, हीरालाल लागर, विद्याशंकर नंदवाना, नगर निगम महापौर महेश विजय, उप महापौर सुनीता व्यास, यूआईटी अध्यक्ष राम कुमार मेहता सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से किया स्वागत। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को जयपुर से झालावाड़ कॉलोनी हेलीपैड से कोटा आरएसी परेड ग्राउंड के हेलीपैड पर उनके स्वागत के लिए प्रशासन के आला अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं उसके बाद सीएम का काफिला आरएसी मैदान से भारत विकास आयुर्विज्ञान संस्थान एवं कैंसर चिकित्सालय के भूमि पूजन समारोह में शामिल होने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंची, तो वहीं मुख्यमंत्री राजे पर चौपड़ से पुष्प की वर्षा की गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह सुरेश भाया जोशी व जालरिया पीठाधीश्वर स्वामी घनश्यामाचार्य महाराज भी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल से वे सभा पहुंची, जहां भारत माता के चित्र पर माला अर्पण के बाद कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। वहीं सीएम राजे ने जागरिया पीठाधीश्वर स्वामी घनश्यामाचार्य महाराज को फल उपहार भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। वह कैंसर अस्पताल के लिए दानदाताओं का सीएम राजे ने सम्मानित किया। इस मौके पर सभी को अपने संबोधन भाषण में सीएम ने कहा, लंबे समय से भारत परिषद लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और कैंसर अस्पताल बनना एक पुण्य कार्य है। सरकार ने सहयोग पर्वत सस्ती जमीन संस्थान को मुहैया कराई है। आशा है कि कैंसर से पीड़ितों को यहाँ पर सस्ता और सुलभ उपचार मिल सकेगा। वहीं समारोह के दौरान ही दानदाताओं ने 2 करोड़ के करीब राशि प्रदान करी। श्याम शर्मा एवं श्री अरविंद जी गोयल